सीएम योगी का दो दिवसीय बलरामपुर का अहम दौरा आज, कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। देवीपाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। आज 31,277 सहायक अध्यापकों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,277 पदों पर भर्ती की गई है। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे मदरसे। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फासिल की होंगी क्लासेस। दो पालकों में संचालित होंगे प्रदेश में मदरसे। पहली पाली में सेकेंडरी और फासिल की क्लासेस होंगे, दूसरी पाली में सीनियर सेकेंडरी और कामिल की क्लासेस होंगे और 50% छात्रों को मदरसे में हर दिन आने की अनुमति। मेट्रो में अब यात्रा होगी और भी ज्यादा सुविधापूर्ण। मेट्रो प्रशासन ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। मेट्रो ने रैपिडो बाय टैक्सी के साथ ही किया है समझौता। बलिया में खुले पंचायत में हत्या के मामले में डीआईजी आसमगढ़ जोन सुभाष चंद्र दुबे का बड़ा बयान। धीरेन्द्र सिंह समेत 8 नामजद, 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मौके पर पकड़े जाने के बाद भी धीरेन्द्र सिंह भाग निकला। डीआईजी ने कहा कि मामले में मौके पर मौजूद पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सभी नामजद आरोपियों को पुलिस जल्दी करके गिरफ्तार। लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। बलिया मामले में आसमगढ़ जोन के कमिश्नर का एक बड़ा बयान सामने आया है। अभी इस घटना में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित। बलिया मामले में मायावती ने ट्वीट किया है, बलिया के हुई घटना अति चिंताजनक है। मैं कानून व्यवस्था अति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार इस ओर ध्यान दे तो बेहतर होगा। बलिया में हुई घटना पर सोशल मीडिया में संग्राम देखने को मिल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी करने पर धमकी दी है। पूरे बलिया को हिलाने की धमकी दी जा रही है। आरोपी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी। इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मणिलाल पाटीदार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। देवेंद्र शुक्ला, कांस्टेबल अरुण यादव के खिलाफ भी एनबीडब्ल्यू जारी। महाराजगंज में भारत नेपाल की सोनाली सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। भारत सरकार की लैंड पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन आदित्य मिश्र ने सोनाली बॉर्डर पहुंचकर चेक पोस्ट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया है कि सीमा पर चेक पोस्ट का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाएगा। इससे बन जाने से बॉर्डर पर तैनात एसएसटी जांच एजेंसी और चेक पोस्ट पर एक छत नीचे आ जाएगी। इसके साथ आपको बताएं जिससे सरहद पर समस्या हल। हमीरपुर में अनियंत्रित बस खाई में जा गिरी। हादसे में बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस में ज्यादा सवारी न होने से हादसा टल गया है। राजकोटवाली इलाके का मामला। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में 8 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी व्यक्ति और उसका साथी उसको बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ रेप किया। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। गाजियाबाद के शास्त्री नगर और नई बस्ती इलाके में फूड सेफ्टी विभाग ने बेट डाली है। यहां पर भारी संख्या में यहां से मिलावटी घी बरामद कर ली गई। शामली में एक युवक की लाइफ मौत का वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में एक युवक ट्रैक्टर से करतब दिखा रहा है। जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर युवक ट्रैक्टर को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गाजीपुर में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद। बदमाशों ने बैंक में 83 की लाखों की लूट। गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। कानपुर में लेबर कमिश्नर ऑफिस के अकाउंटेंट के घर चोरी हुई है। ज्वेलरी, नकदी, लैपटॉप समेत करीब 10 लाख की चोरी हुई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
बदायूं में पति ने सिपाही पत्नी की सड़क किनारे जमकर पिटाई कर दी। कई घंटों तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराजगंज के श्याम देवरा पुलिस ने बीते मंगलवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने लूट के 3,53,000 रुपए, बाइक और तमंचे बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में यूपी पुलिस का ऑपरेशन सिंह लगातार जारी है। गुरुवार को बीटाटू थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। गाजियाबाद के अर्थला थाना इलाके में मोबाइल टावर के निचले हिस्से में अचानक से भीषण नाकचनी हुई। आनंद फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में अपार्टमेंट के निचले हिस्से में आग लग गई। मौके पर पहुंची नगर निगम की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। उत्तराखंड में